फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम रैंकिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जा चुके हैं। और ये कमेंट आया था कि आप मैम रीजनिंग के क्वेश्चंस कराओ, तो और रीजनिंग में भी रैंकिंग के क्वेश्चंस कराओ, तो इसलिए आज सेलेक्टेड क्वेश्चंस कुछ लेकर आई हूँ जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और आपको जो क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर नजर आता रहेगा और उन क्वेश्चन को आप कॉपी में नोट डाउन जरूर करिए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट टू द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पुरुषों की एक पंक्ति में मनोज दाईं ओर से 30वें स्थान पर है और किरण बाईं ओर से 20वें स्थान पर है। जब वे परस्पर अपना स्थान बदल लेते हैं तो मनोज दाईं ओर से 35वें स्थान पर हो जाता है। तदनुसार उस पंक्ति में पुरुषों की कुल संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स, इजी है। टोटल निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला दिया था कि जब भी टोटल आपसे पूछे तो एल प्लस आर माइनस वन, एल का मतलब लेफ्ट, आर का मतलब राइट। ये लेफ्ट और राइट जो भी हमें दिया होगा नंबर, उन दोनों को हम प्लस कर देंगे और वन माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें एक कन्फ्यूजन हो जाता है कि जो व्यक्तियों की संख्या हमें दी होती है उनके स्थान चेंज हो जाए, चेंज कर दिए गए हैं, तो बच्चे से कंफ्यूज हो जाते हैं। मगर जिस जो हमारा दूसरी बार में हमारा चेंज होता है नंबर, आप उसको लिया करो। जैसे हमारा पहला, आप देखो कि पुरुषों की पंक्ति में मनोज दाईं ओर से 30वें स्थान पर है और किरण बाईं ओर से 20वें स्थान पर है। और चेंज किसका हो रहा है जगह, जब बदल जाता है स्थान, तो मनोज दाईं ओर से 35वें स्थान पर, मतलब मनोज की जो स्थान है वो कौन सा है, 35वां स्थान है, 35वां स्थान। और किरण का स्थान कितना है, लेफ्ट से है, किरण का बाईं ओर से, बाईं का मतलब लेफ्ट, लेफ्ट से कितना स्थान है, 20वां स्थान है। तो अगर जब जगह जो चेंज करने की बोलते हैं, तो आप जो दूसरे जिसका जगह चेंज हुआ है आप वो वैल्यू लोगे, ना कि पहला वैल्यू। तो दूसरे जो मनोज का स्थान यहाँ पे चेंज हुआ था, तो इसलिए मैंने मनोज की जो पहली पंक्ति दी हुई थी वो मैंने ना लेकर जो दूसरा दिया गया था हमें कि मनोज का जो जगह है वो चेंज हुआ, तो हम वो लेंगे। तो मनोज का जगह चेंज हुआ था, तो देखते हैं फॉर्मूले पे पुट करते हैं टोटल निकालने के लिए। एल कितना है, 20वां दे रखा है, और जो राइट है हमारा कितना दे रखा है, 35वां, माइनस कर दो आप 1 तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, इन दोनों को प्लस करो 5 और 3 to 5, माइनस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 54, मतलब टोटल बच्चे कितने हैं क्लास में, 54। तो वहाँ पे टोटल 54 हमारी संख्या आ जाएगी। देखते हैं फ्रेंड्स इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन। फ्रेंड्स, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा कि लड़कियों की एक पंक्ति में वीणा आरंभ से 12वीं स्थान पर है और अंत से 19वें स्थान पर। लड़कियों की एक अन्य पंक्ति में सुनीता आरंभ से 14वें स्थान पर है और अंत से 20वें स्थान पर। तो दोनों पंक्तियों में कुल मिलाकर कितनी लड़कियां हैं? तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख लो कि दो पंक्तियों की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम पहली पंक्ति की कुल लड़कियों की संख्या निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आंसर। पहली पंक्ति में कुल लड़कियों की संख्या, तो फ्रेंड्स कैसे इसमें निकालेंगे, पहली पंक्ति में कुल लड़कियों की संख्या, पहले पंक्ति में हम देखते हैं कि क्या दे रखा है, कि पहली पंक्ति में वीणा आरंभ से 12वीं है, 12 दे रखा है, आरंभ से हमारा 12 दे रखा है मतलब स्टार्टिंग से, और अंत से 19वां दे रखा है, मतलब प्लस कर दो आप 19 को, और तो इसका टोटल हम निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 करते हैं हम, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे और उसमें 1 माइनस कर देंगे, तो 12 और 19 को माइनस करते हैं, प्लस करते हैं तो हमारा आ जाएगा 31, और 1 माइनस कर देंगे तो टोटल आ जाएगा लड़कियों की संख्या पहली पंक्ति में 30। तो ये हमारा आ गया पहली पंक्ति का। अब हमें निकालना है दूसरी पंक्ति का, दूसरी पंक्ति में कुल लड़कियों
की संख्या। तो फ्रेंड्स देखते हैं दूसरे कि दूसरी हमारी पंक्ति में कुल लड़कियों की संख्या कितनी होगी। तो पहले आप ध्यान से क्वेश्चन आगे का पढ़ते हैं कि एक अन्य पंक्ति में सुनीता, मतलब दूसरी पंक्ति में जो सुनीता है वो आरंभ से कितने नंबर पे है? 14 नंबर पे है और अंत से है 20वें नंबर पे। तो 1 माइनस कर दो आप, इन दोनों को प्लस कर दो, 14 और 20 को 404 और 23, 2 और 1 3 हो गया, माइनस कर दो 1 तो कितना आ गया फ्रेंड्स 33। अब इन दोनों का हमें क्या पूछा था, दोनों पंक्तियों के मिलाकर कितनी लड़कियां हुई। हमने तो पहले पहली पंक्ति का निकाला, फिर हमने दूसरी पंक्ति का निकाला, फिर आप इन दोनों पंक्ति का हमें कुल लड़कियों की संख्या निकालनी है। तो क्या करेंगे हम इसके लिए आगे देखते हैं। हमें टोटल निकालना है दोनों पंक्ति का टोटल। तो हम फर्स्ट पंक्ति जो फर्स्ट फर्स्ट हमारा पंक्ति था वो, और दूसरा जो पंक्ति था सेकंड पंक्ति हमारी थी, इन दोनों को हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। फर्स्ट पंक्ति में हमारी कितने लड़कियों की संख्या आई टोटल 30, और सेकंड पंक्ति में आई थी 33, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे 3 और 0 3, 3 और 3 6 हो गया। तो हमारे कितने आ गए टोटल दोनों पंक्ति के मिलाकर जो लड़कियों की संख्या है वो कितनी आ गई 63। तो फ्रेंड्स आई होप ये भी आपको समझ आया हो। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का कि लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाई ओर से 9वीं स्थान पर है और बीना दाई ओर से 16वीं है, यदि वे स्थानों की अदला बदली कर ले तो। फ्रेंड्स ये जो अदला बदली कर लेते हैं तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब अदला बदली कर लिया फिर अब मैं कैसे निकालू, लेकिन आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। आप आगे ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो कि यदि स्थानों की अदला बदली कर ले तो कमला बाई ओर से 25वीं हो जाती है, मतलब कमला का यहाँ पे चेंज हुआ। तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया कि जहाँ पे चेंज करते हैं स्थान को, तो जो सेकंड दूसरी बार में जो चेंज करता है स्थान उसका हम लेते हैं। तो कमला का पहले लिख लो कि कमला बाई ओर से, मतलब लेफ्ट, कमला का कितना स्थान दे रखा है 25वां, 25th नंबर पे है वो। और अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ें कि लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाई ओर से 9वीं स्थान पर है और कमला का हमने चेंज कर लिया तो हम कमला का अब नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्या है, बीना, बीना दाई ओर से 16वीं, मतलब दाई राइट से कितनी हो गई है वो, कितने नंबर पे हो गई 16वें नंबर पे, 16th नंबर पे। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है फ्रेंड्स कि कितनी कुल पंक्तियों की लड़कियों की संख्या पूछ रखा है। टोटल लगाओ 25 प्लस 16 माइनस 1 कर दो, 25 16 को प्लस करो कितना हो गया 41 और माइनस कर दो 1 तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 40 आंसर हमारा आ जाएगा। टोटल लड़कियों की संख्या कितनी आ गई 40, ऑप्शन आपका 40 करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन को पहले आप ध्यान से पढ़ लिया करो, इसमें क्वेश्चन में फॉर्मूला तो आपको एक ही लग रहा है लेकिन आपको बस क्वेश्चन को जानना है कि उसमें लेफ्ट में कौन सा लू राइट कौन सा लू, और इसका एक मिडल टर्म का भी आता है वो भी मैं आपको करा दूंगी। रैंकिंग का ये कि इसमें मिडल टर्म का पूछा जाता है, उसका फॉर्मूला अलग होता है तो वो भी मैं आपको करा दूंगी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लड़कों की एक पंक्ति में सचिन बाएं से 11वें स्थान पर है और राज दाएं से 7वें स्थान पर है, अगर वे अपने स्थान को अदल बदल कर लेते हैं तो सचिन बाई ओर से 16वें स्थान पर हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसका देखते हैं, इसमें भी हमें टोटल कुल संख्या पूछ रखा है। तो इस क्वेश्चन को पहले हम देखते हैं कि लेफ्ट कितना दे रखा है और राइट कितना दे रखा है। तो सचिन बाई से कितने नंबर पे 11वें नंबर पे, और बाई से लेफ्ट से सचिन लेफ्ट से कितने नंबर पे है हमारा 11वें नंबर पे, 11th पे है। और राज दाएं से, जो राज है वो राज वो राइट से कितने नंबर पे है फ्रेंड्स 7वें नंबर पे, 7th नंबर पे है। अगर स्थान को अदल बदल लेते हैं तो सचिन बाएं से, जो सचिन है उसका दे रखा है कि सचिन कितने नंबर पे हो जाता है 16वें नंबर पे हो जाता है। तो मतलब ये वाला हम नंबर नहीं लेंगे, अभी ये वाला लेंगे हम नंबर कि सचिन का, क्योंकि स्थान हमने क्या कर दिया फ्रेंड्स चेंज कर दिया तो 16वें स्थान पर हो जाता है। तो मतलब टोटल निकालना है अगर, तो एल प्लस आर माइनस वन, एल हम ये वाला लेंगे, ये वाला नहीं क्योंकि इसने स्थान अपना क्या कर दिया फ्रेंड्स चेंज कर लिया, तो इसलिए 16 प्लस आर कितना था 7 माइनस 1,
16 में से 7 को प्लस 16 और 7 को प्लस कर दो तो 23 आ जाएगा, माइनस 1 कर दो 23 में से 1 गया फ्रेंड्स, कितना आ गया 22 इसका आंसर, 22 हमारा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो और बेल आइकन को टैप करना ना भूले, जिससे वीडियो के सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।